बच्चों हुण असी देखांगे चैप्टर नंबर 16 जिहदा शीर्षक है अज सूरज दी छुट्टी है। पहला असी देखते हैं हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्द, वरदान, हनेरा, गैर हाजरी, सुनहरी, मौका, खुंज, चिंतित, उड़ीक, तब्दील, खुद। हुण असी चैप्टर वाल जाने हैं। दुनिया के सारे लोगों नू छुट्टी मनाउण दा बड़ा चा रहिंदा है। बच्चियां लई छुट्टी किसी वरदान तो घट नहीं, तो वड्डियां लई भी ये मन परचाउण ते आराम करन दा बहाना बनदी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया के सारे लोग को छुट्टी मनाने का बड़ा शौक है। बड़े ही नहीं छोटे भी आराम करने और खेलने कूदने का दिन या फिर बहाना ढूंढते हैं। गल की छोटा वड्डा पर हर कोई छुट्टी दी उड़ीक करदा नज़र आंदा है। तो यहाँ पर है कि बात यह है कि छोटा हो या बड़ा हर कोई छुट्टी की उड़ीक मतलब ताक रखदा नज़र आंदा है। हर कोई छुट्टी नू सही ढंग नाल मनाउण बारे स्कीमां ही सोचदा रहिंदा है और हर एक इंसान यह सोचता है कि छुट्टी को कैसे अच्छे से मनाया जाए। पर एक दिन दुनिया दे हर दिन दी शुरुआत करन वाले सूरज ने सोचा, इतनिया सदियां तो वो लगातार आ रहा है, उसने कदे एक दिन भी आराम नहीं किया, इसलिए उसनू भी छुट्टी मनानी चाहिदी है। तो एक दिन जो हमारा सूरज है सदियों से निकल के आ रहा है और हमारे दिन की शुरुआत करता है, वो सोचता है कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है और उसने एक दिन भी आराम नहीं किया है, तो इसलिए उसको भी छुट्टी मनानी चाहिए। ये सोच आंदे ही वो झट जाके छुप गया और ये सोच आते ही वो झट से जाके छुप गया। अचानक हनेरा हो जानते खेडते हुए चूहे हैरान हो गए। उन्होंने डर नाल अपनी खेड बंद कर दीती ते सोचण लगे, दिन वेले इस हनेरे का की मतलब होया। तो जैसे ही सूरज जाके छुप जाते हैं वैसे ही बाहर खेलते हुए चूहे जो है वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि दिन के टाइम ये हनेरा मतलब अंधेरा होने का क्या मतलब, लगता है कुछ होन वाला है, चल कर नू चलिए। ओ दोवें दौड़ के दरख्तां विच बनी अपनी खुड विच बढ़ गए। तो लगता है कि कुछ होने वाला है, चलो कर नू चलिए। तो दो चूहे जो खेल रहे थे वो घर भाग के अपने घर को पेड़ों के बीच जो घर में बना हुआ है वहाँ पर भाग के वो चले जाते हैं। इन्ने विच बूटियां ने अपने चारे पासे फैले हनेरे नू वेख्या तो सोचा, ये सूरज कित्थे गया, मैं तो इसकी रोशनी बिना वध फुल ही नहीं सकता। उसके स्वर विच चिंता सी, उसने फुल ते पत्तियां थले वल झुक गए। सारे दरख्त बूटे सूरज दी गैर हाजरी नू महसूस करन लग पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे पौधे थे वे अंधेरे को देख के चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि सूरज की रोशनी के बिना वो तो बड़ फूल भी नहीं सकते। और पत्ते, पेड़ के पत्ते, पौधों के पत्ते, फूल सारे नीचे की तरफ झुक जाते हैं। अपने
ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੰਛੀ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੋਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੰਛੀ, ਆਲ੍ਹਣਾ ਮਤਲਬ ਘੋਂਸਲਾ, ਪੰਛੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਵੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਕੇ ਚਲਤੇ ਵੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਖਾਣਾ ਢੂੰਢਣੇ ਕੈਸੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੋ ਚਿੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਅਬ ਉੱਠਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਕੀ ਮੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲੋਂ ਪਰ ਕੈਸੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੂੰ। ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਅਬ ਮੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲੋਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਢੂੰਢੂੰਗੀ, ਇਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੂੰ। ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਆਗੇ ਹਮ ਲੋਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੇਂ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।